अब इसमें कौन चाहिए आपको प्रधानमंत्री? छोड़िए, तो मोदी चाहिए भाई, मोदी के अलावा और कोई नहीं चाहिए। जो देश का विकास कर रहा है उसी को चाहिए। जितने गठबंधन में हैं इनका आपस में विचार ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे का, ना ममता बनर्जी का नीतीश जी से विचार बन रहा है, ना शरद पवार जी का बन रहा है, ना राहुल का बन रहा है। आपकी आपसी सहमति ही नहीं बन रही, तो क्या प्रधानमंत्री चार चार दिन के लिए बनिएगा? सारे घोटाले बाज है, तो घोटाला भी हो नहीं रहा है, खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? तो वही हम लोग तो मोदी छोड़कर और कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी को ही जन्मों जन्म तक प्रधानमंत्री मान रहे हैं। वैसी बंदों ने वोटिंग ना किया तो चाह रहे कि महिला नीचे रहे और घूंघट में ही रहे, पर्दे में ही रहे, संसद में ना बैठे। वो तो महिला को बुरके में रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना तो नहीं चाहते। हम लोग बहुत देखे जो वो कर रहे हैं 10 साल में, आज 50 साल में कोई नहीं किए। चुनाव मानने वाले हैं तो आखिर कैसे मोदी जी को बाहर करेंगे? बाहर कैसे कर सकते हैं? मोदी विश्व में छाया हुआ है, ये तो हिंदुस्तान है। अभी जो भी काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि मोदी जी जो है अपना श्रेय लेने के लिए, अभी महिला आरक्षण बिल आया वो जो है दोनों सदन में पास कर दिया, वे कहते हैं कि हमारा बिल है हम लेके आए थे। परिस्थिति ये है कि जिन्होंने उस समय विरोध किया, बिल फाड़ा, देश जलाया, आज वो भी सपोर्ट कर दिए। कारण क्या है? चल नहीं, अब वही तो है, महिला जागरूक भी हो गई है ना, वो भी जानती है ना कि ये कौन हमारा विरोधी है कौन नहीं है। आज आज महिला को आरक्षण वो अपने पार्टी में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारी बीवी बने, हमारी ये बने, आज मुलायम के परिवार में 16 एमपी थे, क्यों नहीं दूसरे यादव को दिया? और भी तो उनके पार्टी में तो और भी थे। आज क्यों आजम खां का, आजम खां भी है, उसका बेटा भी है, दूसरे को अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया? ये सब उन लोगों का नाटक है, केवल मेरे पास रहे। क्या लगता है आपको, पहले जैसे लीपा पोती हुई और केवल जो है महिलाओं को जो है झांसे में रखने के लिए, वोट लेने के लिए, आखिर में जो है 50% जो है आबादी जो है महिलाओं की है, उनको सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ऐसे टाइम पे ले आए कि अब आगे सामने जो है चुनाव है, कोई भी विरोध नहीं कर सकता, ऐसे मौके पर ले आए, ऐसा कैसे लगता है आपको? मौका जब जब उनके दिमाग, विरोध करते तो फिर वोट का भी होता। खैर मोदी तो कभी भी ला सकते थे, आज से 4 साल पहले भी ला सकते थे और पास होता, क्योंकि सारे बिल पास होता। जब जब वो टर्म बाय टर्म, पहले 3 तलाक लाया, 370 हटाया, ये भी आया, अब एक जो उनका कॉमन बिल है जो समान नागरिक संहिता, वो भी आएगा और निश्चित आएगा, एक कानून जो है बात है, एक कानून भी आएगा, तो धीरे धीरे वो 1x1 आएगा। एक तरफ कहते हैं कि हमें जो है जातिगत जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, लेकिन अब लगातार जो है आरक्षण की जो है फिर वही मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये तो सारे जो है आज़ादी के बाद लगातार जो है यही राजनीति होती रही ना जातिगत? वो हमेशा होगा। आप एक चीज़ हमें बताइए, आरक्षण रिजर्वेशन ST SC ये सब कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, है भी जो ST रिजर्वेशन से मान लो ऑफिस में उसको नौकरी मिला है, और चूंकि मिला है उसी से, इधर को नहीं मिला, और यदि उसको ऑफिस में यदि कोई कह दे तू ST है तो हो जाता है कि ये जाति सूचक हो गया, तो तुम जाति सूचक से तुम नौकरी लो, पर तुमको यदि कोई कहे तो तुम उसके लिए मतलब चले जाओगे NT में कि ये बात है वो बात है, ये खामियां है। दूसरी बात है रिजर्वेशन से, आप एक चीज़ बताओ कि जो मेरिट से 90% मार्क्स लाता है वो पीछे रह जाता है। शिक्षा को सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा होगी तो अपने आप सब डेवलप हो जाए। शिक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे देना चाहिए, कोई आर्थिक आधार पे देना चाहिए, इसमें ना कोई जाति हो, ना धर्म हो, ना वंश हो, ना बाद हो, आर्थिक स्थिति से कोई अगर कोई मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, राजपूत है, छत्री है, बैस है, बनिया है, दलित है, अरे सब मानव है, सब मानव है, हम लोग सारे मानव है, तो हाँ तो उनको जो है मतलब आर्थिक आधार पर में आरक्षण दीजिए, देश को मटमाटिए, मतलब हाँ मानवता के आधार पर सारे मानव है। महिला आरक्षण आप जायज है? नहीं जायज है, हाँ होना चाहिए था, रोका गया लंबे समय, किसी ने रोका, काफी लंबे 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष क्यों नहीं हुआ? पहले इन लोगों ने महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है,
और ये लिखा हुआ है बुकों में भी, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूंगा और अभी निकाल दूंगा गूगल पे, ठीक है। लेकिन आज पढ़ लिख के वो शिक्षित बन रही हैं, और जो कोई भी हो, कोई भी हो जिसने आज थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है वो उसको दबाना चाह रहे हैं, नीचे है ना। मानव ओवैसी वोट ना दिया तो इसका मतलब वही कह रहा है ना कि महिला आगे ना आए। अकरुबुद्दीन ओवैसी दो जो बंदों ने वोटिंग ना किया तो चाह रहा है कि महिला नीचे रहे, वो घूंघट में रहे, पर्दे में रहे, संसद में ना बैठे, आगे ना बढ़े, वो पढ़े ना, वो विद्रोह किया है ना, दो वोट वही ना दिया है और सब पार्टियां दिया है, सारे पार्टियों ने वोट दिया है। सीधी सी बात ये है, 100 में से 80% मीडिया बिकी हुई है। क्या मतलब सामने बहस हो रही है ना, सुनो मीडिया को, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई नहीं बिका है संतानु, आप आए हैं, सुनिए आप आए हैं, आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ, कोई बिका नहीं है। मैं आपके बारे में कुछ ना बोलूंगा तो इसका मतलब मैं बिक गया, आप गलती किए हो। मीडिया मीडिया कहीं कभी भी नहीं बिकी थी, आज भी नहीं बिकी है। लोगों का मानसिकता जो है अपना है, मानसिकता बिका हुआ, मीडिया नहीं बिका, देश अभी चल रही है, मीडिया के बदौलत ही देश चल रहा है। देखो मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया जिंदा है तभी देश चल रहा है। कोई भी कानून जो बनता है देश के हित में बनता है, चाहे महिला आरक्षण चाहे कोई भी कानून हो, तो उसको पास करने में के बाद जैसे संसद में टाइम लगता है ना, ये नहीं कि संसद में वहाँ वोटिंग हो गया और कानून लागू हो गया, उसके लिए टाइम होता है, प्रोसीजर होता है, तब वो लागू होता है। आप कैसे कह देते हैं कि नहीं विपक्ष वालों की वजह से प्रॉब्लम हो गया, रह गया वोटिंग के बाद, वो अगर ओवैसी साहब ने दो वोट नहीं दिया तो जो वोटिंग होता है उसमें हार जीत होता है, लड़ाइयाँ होती है तो कोई पिछड़ा जाता है, तो अगर ओवैसी साहब ने दो वोट नहीं दिए तो क्या हो गया, कम से कम उनकी भी सोच तो कुछ ऊँची होगी। क्या समझते हैं आप लोग, कह मैं तो स्पष्ट जनता से पूछिए कोई भी बात को, जैसे कि महिलाओं के क्या ओवैसी जो सुने एक आरक्षण बिल के ऊपर, हाँ कहिए कहिए, क्यों अपोजिशन में क्यों डाला उन्होंने वोट, क्या वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए। अब क्या पता उनसे बढ़कर के इनको सोचो, क्या पता 33 के बाद उनको 40% आरक्षण देने का, वो तो महिला को बुरके में रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना तो नहीं चाहते। हिजाब एक भारत एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक भारत एक कानून, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए जरूरी एक कानून होना चाहिए, कोई तलाक वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई हिजाब वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण पे आरक्षण, ये बात कौन लेके आएगा, ओबीसी की मतलब महिलाएं कितने हैं, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं। अभी तो तुम कहते हो कि सब लोग कह रहे थे कि ये सरकार जो है जातिगत जो है धर्म की राजनीति जाति की राजनीति कर रहे हो, फिर आप क्यों उलझ गए जातियों में, ये तो महिला तो महिला है, महिला तो महिला है ना, महिला। सुनिए आपने पूछा मेरे से, नहीं नहीं देखिए आपने मेरे पूछा ये सरकार जो कह रहे हैं ना, ये सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सरकार तो कभी ये चीज़ें कहती नहीं है कि वो अलग हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है, यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसमें सबको मिला जुला के सरकार चलती है। विपक्ष यही तो गठबंधन तैयार हो रहा है कि इस आदमी को बाहर करो, मोदी को बाहर करने के लिए जो पूरे गठबंधन राजनीति का प्रोपगंडा है, जब आदमी हारता है तो कह मतलब एक दूसरे का सहयोग लेता है। 2024 में कौन चाहिए आपको प्रधानमंत्री, छोड़िए तो मोदी चाहिए भाई, मोदी के अलावा और कोई नहीं चाहिए, जो देश का विकास कर रहा है उसी को चाहिए। हाँ लेकिन ये इतना बड़ा जो है पूरा ये हंगामा मचा हुआ है, जगह जगह मीटिंग हो रही है, चार पाँच मीटिंग हो रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता समझती है जनता अक्षित नहीं है, जितने ये पढ़ी लिखी है बंधन में है, कोई भी आदमी बिना गठबंधन कर रहा नहीं, जितने गठबंधन में है इनका आपस में विचार ही नहीं मिल रहा है एक दूसरे का, न ममता बनर्जी का नीतीश जी से विचार बन रहा है, न शरद पवार जी का बन रहा है, न राहुल का बन रहा है, तो जब आपकी आपसी सहमति ही नहीं बन रही तो क्या प्रधानमंत्री चार दिन के लिए बनिएगा, 26 गठबंधन वाले आप लोग हो तो चार दिन के लिए प्रधानमंत्री, सारे घोटाले बाज हैं तो घोटाला भी हो नहीं रहा है,
खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं कि फिर हम करते रहे। ये सब बखलाहट है। अब देखो सुनो, ये एक तो जो है एक मुद्दों की बात होगी। अब इनमें से जो इनके गठबंधन में जो घटक दल है, जैसे जो है दक्षिण भारत का जो है जो स्टालिन है जो है डीएमके का, वो कहता है कि जिस तरह से सनातन को जो है मिटाने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी जो है कोई भी विपक्ष वाला नहीं कर रहा, ऐसे मत बोलो, विरोधी नहीं है किसी का, मौन सहमति है। क्यों मौन सहमति है? कारण है कि वो गलत बोला है, गलत के साथ कोई नहीं करेगा। मौन सनातन धर्म भूतपूर्व, सनातन धर्म भूतपूर्व काल से चल रहा है, उसको उनको मिटाने वाले जन्म नहीं लिए हैं, नहीं मिटा पाएंगे। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, श्रद्धा कर्म हो जाएगा, श्रद्धा कर्म हो जाएगा, 24 में 24 में खून मिट जाएंगे। हम क्या, हम तो वही, हम लोग तो मोदी छोड़ कर कुछ नहीं करेंगे ना। हाँ हम लोग बहुत देखे हैं जो वो कर रहे हैं 10 साल में, आज 50 साल में कोई नहीं किए, क्यों नहीं कहते नहीं किया कुछ बाहर, तभी तो गठबंधन। अब वो तो लड़ाई जो सब चाहते हैं, हम कब कुर्सी पे बैठेंगे, जो हम कमाएंगे वो चाहते हैं हम कमाएंगे। कुर्सी तो एक है, प्रधानमंत्री की एक है, तो कैसे होगा? नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नरेंद्र मोदी, देश के लिए मोदी, देश के लिए मोदी, के लिए मोदी ही रहे, मोदी जी ही रहे, देश के लिए मोदी सही है, हमारे विकास पुरुष है। ऐसा पार्टी है, ये किसी का पार्टी नहीं है। कांग्रेस का है तो राहुल है, आरजेडी है तो लालू है, सुनते रहेगा। ये जेडू है तो नीतीश है, और ये क्या बोलते हैं, केजरीवाल है तो केजरीवाल है। बीजेपी किसी एक का पार्टी नहीं है, नहीं है। जो इसमें देशभक्त होगा वो बीजेपी का नेता होगा, तो बीजेपी पूरा हिंदुस्तान का पार्टी है। और जितनी भी सारी पार्टी है, ममता बनर्जी का है तो ममता बनर्जी है, बीएसपी है तो मायावती जी है, जितने हैं इन सबकी दुकान है, ये सबकी अपनी अपनी दुकान है, समझ गए। बीजेपी किसी का पार्टी नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का पार्टी है, इनका पार्टी है, हमारा पार्टी है, इनका पार्टी है, इनका पार्टी है बीजेपी, इनका पार्टी है, पार्टी है, वो सनातन धर्म की पार्टी है, और हम मोदी जी को ही जन्मों जन्म तक प्रधानमंत्री मान रहे हैं।